जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चचिंडे की सब्जी। ये देखिए, आपने मार्केट में देखे होंगे, ये इस तरह के चचिंडे आते हैं। इसको हम काट लेंगे। ये मैंने दिखाने के लिए रखे हुए हैं, आधी सब्जी मैं काट चुकी हूँ। इसको ऐसे बीच से हम फाड़ लेते हैं। अगर ये बीज बहुत पके हुए हैं तो इनको हम हटा लेंगे, गूदा हटा लेंगे और काट लेंगे। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, इनको छीलते भी हैं, लेकिन मैं इन्हें कभी छीलती नहीं हूँ। छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब बहुत हार्ड होता है उसी को छीलने की जरूरत होती है। तो कोशिश करें जब भी बाजार से चचिंडे खरीदें तो सॉफ्ट चचिंडे खरीदें। इसके साथ ही हम बीज अभी फेंकेंगे नहीं इसके, क्योंकि ये हार्ड बीज नहीं है। तो इनको हम पतला पतला ऐसे काट लेंगे, इस तरह से काटेंगे। कई लोग इसको इस तरह से काटते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से काटने में वो मतलब दिखने में भी अच्छा सा नहीं लगता है और थोड़ा मोटा कटता है तो स्वाद नहीं आता है। तो हम ऐसे करके इसे पतला काट लेंगे, इस तरह से। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो ये वाला हिस्सा मैंने रखा है दिखाने के लिए रखा है, कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा जब ऐसे लगता है तो यहाँ पे ये बहुत टाइट रहता है, मजबूत रहता है, और इसमें रेशे हो जाते हैं। तो इनके रेशे पहले हमें निकाल लेने चाहिए। जैसे इसको ऐसे काटेंगे और ऐसे रेशे खींच लेंगे, ऐसे काटेंगे और इनके जो यहाँ से रेशे होते हैं ये खींच लेंगे, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है इसलिए इसमें रेशे हैं नहीं। लेकिन जिनके रेशे होते हैं उनको यहाँ से ऐसे काट के और ऐसे रेशे खींचते जाएंगे। तो जैसे रेशे खत्म हो जाएंगे फिर हम उसे आराम से काट के सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो सब्जी काट लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इस सब्जी के लिए क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत और बहुत टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। अधिकतर लोग जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण केवल ये है कि सब्जी जब पूरी नहीं पकती है और ये जो सब्जी रहती है ये ढंग से गले ना, तो तब उसका टेस्ट कुछ अजीब सा आता है। अदरवाइज बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए। तेल, सरसों का तेल ले लिया है। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगता है इसलिए हमने 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया है। जखिया, जखिया तड़का डालेंगे हम। अगर जखिया नहीं है तो हम जो है साबुत धनिया भी क्रश करके डाल सकते हैं। जखिया 1 चम्मच लिया है, आप 1 चम्मच जो है धनिया इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मसाले। मसाले में मैंने ये मसाले मैंने सिल में पीस लिए हैं। इसमें भुना हुआ धनिया, जीरा, लहसुन की कलियां, ये मैंने लहसुन है, ये हमारे यहाँ पे गांव में उगाए जाते हैं लहसुन, तो ये लोकल लहसुन है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो लहसुन ले लिया है, लहसुन की लगभग 6-7 कलियां मैंने पीस ली हैं। और हरी मिर्च जो है 4-5 हरी मिर्च मैंने ली हैं, वो भी मैंने इसी मसाले के साथ पीस ली हैं। तो मसाले में मैंने धनिया, जीरा, लहसुन और मिर्ची, ये मैंने जो है पीस के रख लिया है। साथ में चाहिए हमें हल्दी, नमक और आधा कप के करीब दूध। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख ली है, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें डाल देंगे हम तेल, जो हमने 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच हमने जो तेल लिया था वो हम डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। ये देखिए, तेल गरम हो गया है। इसमें हम जखिया का तड़का डाल देंगे। अच्छा चटक रहा है। अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। देखिए, सब्जी हमने डाल दी है। इसको चला लेंगे। और अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे।
नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। मसाला डाल देंगे 2 चम्मच और इसको अच्छे से चला लेंगे। सब्जी हमने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर ली है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे, भूनने देंगे इसे 10 मिनट के लिए, बीच में चलाते भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए इस तरह से पक गई है सब्जी। अब इसे 2-3 मिनट और ढक के रख देते हैं और फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। बहुत सही, ये देखिए इस तरह से बन गई है सब्जी, लगभग पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने दूध लिया था हल्का गुनगुना है, इसको हम इसमें डाल देंगे और बाकी जितना टाइम इसके सब्जी का पकने का है उसको हम दूध में पकाएंगे और दूध खिंच जाना चाहिए उसी में, पूरा सब्जी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, उसका रस बचना नहीं चाहिए। तो हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं और दूध के साथ पकने के लिए इसे रख देते हैं। तो साथियों 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं सब्जी। वाह, क्या सब्जी बनी है रियली। देखिए इतनी अच्छी सब्जी बन गई है, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, दूध इसी में पूरा जो है समा गया है, अलग से बिल्कुल एक बूंद भी नहीं है और बहुत ही शानदार बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। इस सब्जी की खासियत ये है, इसमें ना तो हमने टमाटर डाला है, ना हमने प्याज डाला है, ना हमने धनिया डाला है, केवल सिंपल मसाले दूध और बन गई हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पहाड़ी सब्जी। चचिंडे को हमारे पहाड़ में लमेंडा बोलते हैं, तो लमेंडे की सब्जी बल्कि भुजी, लमेंडे की भुजी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप भी खाइए, बनाइए और साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।